नमस्कार, आप जबरदस्ती देख रहे हैं हमारा फेवरेट प्रोग्राम घर की बात। मेरा नाम है विवेक वशिष्ठ और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी डोमेस्टिक ब्यूरो चीफ सौम्या वशिष्ठ। सोमू से हम बाद में बात करेंगे क्योंकि रिपोर्टर का काम ही है आउटडोर में खड़े रहना और एंकर का काम है एसी स्टूडियो में बैठकर अपना चेहरा दिखाने पर अड़े रहना। अच्छा, ओके। दोस्तों, मुझे पता है अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप जबरदस्ती ये शो देख रहे हैं। हमारा ये चैनल ज्यादा पुराना तो है नहीं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा। हुआ ये होगा कि किसी तरह से आपके सामने ये वीडियो आ गया होगा और आपने थंबनेल देखकर उस पर क्लिक कर दिया होगा। अब आप जब आ ही गए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सोमू से। सोमू बेटा, क्या हाल है? देखिए पापा, मैं आराम से सोफे पे बड़ी बड़ी रील स्क्रॉल कर रही थी कि तभी आपका फोन बजा। पहले तो मैंने सोचा कि इग्नोर कर दूं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि कल ही आपने मुझे वार्निंग दी थी कि अगर BTS देखने के चक्कर में मैंने आपका फोन कॉल इग्नोर किया तो फिर आपसे बुरा कोई नहीं होगा। बस इसी चक्कर में मुझे फोन उठाना पड़ा। तो बताइए कैसे फोन किया? देखिए सोमू, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है? पापा, मम्मी तो अभी किचन में है। क्या, दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी तक घर में खाना नहीं बना है? आखिर ये मम्मियां कब समझेंगी कि बच्चों को खाना टाइम से बनाकर खिलाना चाहिए? पापा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खाना क्या बताना चाहती हो? नहीं, क्या बताना चाहती हो? मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि सोमू का ऑडियो म्यूट किया जाए। म्यूट कीजिए इनका ऑडियो। हाँ, तो दर्शकों बताइए, क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि दोपहर के 3 बज रहे हैं और किसी घर में अब तक खाना नहीं बना है? आखिर कब ये मम्मियां अपनी जिम्मेदारी समझेंगी? आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर यही हाल रहा तो क्या हमारे देश के बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं हो जाएंगे? क्या होगा हमारे देश के बच्चों की सेहत का? आखिर कब इन सवालों के जवाब ये मम्मियां देने के लिए सामने आएंगी? दोस्तों, मुझे लगता है कि सोमू को मेरी बात काटने की सजा मिल चुकी है। अब वक्त आ गया है एक बार फिर सोमू से बात करने का। PCR, सोमू का ऑडियो खोल दीजिए। हाँ, सोमू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सोमू, ये बताइए, आज दिन भर कैसी गतिविधियां रही और दिन भर मम्मी ऐसा क्या काम करती रही जो अब तक खाना नहीं बना पाई? पापा देखिए, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है। दरअसल घर में खाना कब का बन चुका है। अच्छा, तो फिर तुम्हारी मम्मी किचन में क्या कर रही है? एक मिनट, कहीं तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें फिर से चॉकलेट का लालच तो नहीं दिया जिसकी वजह से तुम अपनी मम्मी की गलती को छुपा रही हो? माई ओवर इंटेलिजेंट पापा, मेरी बात तो सुन लो। दरअसल आज लंच में भिंडी की सब्जी बनी थी और अब आपको तो पता ही है कि मुझे भिंडी की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने मम्मी से कहा कि मुझे भिंडी की सब्जी नहीं खानी। पहले तो उन्होंने मुझे कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैंने सब्जी खाने से साफ इनकार कर दिया तब मम्मी मेरे लिए किचन में सैंडविच बनाने गई है। सोमू, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? पापा, मुझे आपकी आवाज आ रही है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पापा, मैं आपको सुन पा रही हूँ। दोस्तों, लगता है सोमू से हमारा कनेक्शन टूट गया है किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से। तो आज के एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, अगले शो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।